तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, बहुत ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन ये है जिस पर हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ये क्वेश्चन है कि किस शासक के समय में दक्षिण के राज्यों को दिल्ली में मिलाया गया। क्लियर? तो यहां से पूरे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझेंगे, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। मैं दावे से कह रहा हूं इस बात को, और इसीलिए मैं वीडियो भी बना रहा हूं, आप देख भी रहे होंगे कि यहां से परीक्षा में क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, एक जो बात बताई थी मैंने, एक बात बताई थी एक लेक्चर में, मैंने एक लेक्चर में एक बात बताई थी पिछले लेक्चर में कि अलाउद्दीन खिलजी पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने दक्षिण पर आक्रमण किया। ये आपको याद रखना ही रखना, पूछा जाएगा परीक्षा में। यानी कि दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने देवगिरी पर आक्रमण किया था। क्लियर? लेकिन उनके आक्रमण का उद्देश्य स्टूडेंट धन को लूटना था, ना कि साम्राज्य विस्तार। और यहां क्वेश्चन क्या है? यहां क्वेश्चन ये है कि किस शासक के समय में दक्षिण के राज्य को दिल्ली में मिलाया गया, यानी कि उसका बिल्कुल अपोजिट सा क्वेश्चन है। अब चूंकि मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं ताकि पहली बात और ये बात मिलकर आपके सारी चीजें क्लियर हो जाए। क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, वैसे तो आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। बहुत ध्यान से सुनिए, चूंकि हम पढ़ी गयासुद्दीन तुगलक रहे हैं, लेकिन इनको समझ लीजिए। गयासुद्दीन तुगलक के समय में, याद रखना है, दक्षिण भारत के राज्य को दिल्ली में मिलाया गया। और ये क्वेश्चन अलग है जब अगर पूछा जाता है कि दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी था, उन्होंने आक्रमण किया और धन लूटा, लेकिन उनका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार नहीं था, यानी कि उन राज्यों को अपने दिल्ली में मिलाना नहीं था। मोस्टली ध्यान रखिए, ये कई बार बढ़िया क्वेश्चन है, पूछ लिया जाएगा परीक्षा में। लेकिन इनका क्या था? गयासुद्दीन तुगलक के समय में दक्षिण के राज्यों को दिल्ली में मिलाया गया, पहले तो ये याद रखना है। लेकिन किसके नेतृत्व में मिलाया गया अगर ये पूछा जाता है, यानी कि वह नेतृत्व कौन कर रहा था? समय गयासुद्दीन तुगलक का था, लेकिन उस समय उसका दक्षिण का नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि मलिक फखरुद्दीन जुनाब खान, जो कि पुत्र थे गयासुद्दीन तुगलक के, जिन्हें आगे आप जानेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, वो नेतृत्व कर रहे थे। तो इनका क्या था कि इन्होंने वहां विजिट करने के बाद दक्षिण के राज्य को किसमें मिला लिया? दिल्ली में। यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता, बहुत दमदार क्वेश्चन है, याद रखना। जिस समय दक्षिण के राज्य को गयासुद्दीन तुगलक के समय में दिल्ली में मिलाया गया, पहला कौन सा राज्य था जो दिल्ली में मिलाया गया? वारंगल। बहुत अच्छी तरीके से सुनना है, वारंगल। और दूसरा था मदुरा। अच्छी तरीके से सुनना, पूछा जा सकता, बेहतर क्वेश्चन है। लेकिन अगर ये पूछा जाता किसके समय में मिलाए गए? गयासुद्दीन तुगलक। और किसके नेतृत्व में मिलाए गए? मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे या बड़े पुत्र थे। क्लियर? तो अब आपके समझ में आ जानी चाहिए कि पूरा मसला क्या है, यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला याद रखेंगे, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम अलाउद्दीन खिलजी, जो कि देवगिरी पर किया था उन्होंने, लेकिन धन लूटना उद्देश्य था, साम्राज्य विस्तार उद्देश्य नहीं था। अगर पूछा जाता है कि दक्षिण भारत के राज्य को किसके समय में दिल्ली में मिला दिया गया? गयासुद्दीन तुगलक। किसके नेतृत्व में मिला दिया गया? मोहम्मद बिन तुगलक या मलिक फखरुद्दीन जूना खान, जो कि इनका मूल नाम था। क्लियर? पहले कौन सा मिलाया गया, विशेष रूप से याद रखना है, वारंगल। और दूसरा कौन सा मिलाया गया था? मदुरा। कई बार पूछा जा सकता है, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।